वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अपनी माँ की कहानियों पे इतना विश्वास था कि वो चांद तक पहुँच जाती है सिर्फ इसलिए कि वो अपने फादर को बिलीव दिला सके कि इस दुनिया में अभी भी सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इस लड़की के साथ में मून वर्ल्ड में चलते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही मैजिकल वर्ल्ड जैसा है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम फीफी था, उसे उसके मॉम बताती है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। वो फीफी को एक चांद की रानी के बारे में बताती है। फीफी की मॉम एक स्टोरी सुनाना शुरू करती है। वो बताती है कि गॉडेस जब पहले एक लड़की हुआ करती थी, उसे एक योद्धा से प्यार हो गया, लेकिन उसने खुद को जिंदा रखने के लिए एक मैजिकल पोशन पी लिया जिसके कारण वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और चांद पे चली गई। वो गॉडेस अब चांद पे रह के उस योद्धा का अभी तक इंतजार करती है। वो गॉडेस वहाँ पे अकेली नहीं रहती बल्कि उसके साथ में एक रैबिट भी रहता है। वो योद्धा जो कि गॉडेस से प्यार करता था वो अर्थ पे ही रहा और उसके बाद में वो मर गया। फीफी का क्वेश्चन अपने डैड से था कि मॉम जो ये स्टोरी सुना रही है क्या ये चीज सच में है, जिसपे उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम ने कहा है तो जरूर सच ही होगा। फीफी के पेरेंट्स मून केक्स बनाते थे जिसमें फीफी भी उनकी मदद किया करती थी। इस फैमिली के मून केक्स पूरे शहर में फेमस थे और अब वो बड़ी भी हो गई थी। वो अब अपनी फैमिली के साथ में मून केक सेल भी किया करती थी। धीरे धीरे फीफी की मॉम बीमार होने लगी थी। फीफी की मॉम फीफी को मरने से पहले एक रैबिट भी गिफ्ट करती है। सीन कुछ सालों बाद का आता है। इससे पहले फीफी की मॉम मर चुकी थी। फीफी इस दिन अपने मॉम की तस्वीर के आगे मून केक्स रखती है, जिसके बाद अब मून फेस्टिवल आ चुका था। फीफी अपने फादर की हेल्प करती है मून केक्स को बनाने में और सेल करने में। इन दोनों की सर्विसेज बहुत अच्छी थी। जब वो अपने घर वापस लौटती है तो उसके फादर के साथ वो एक और लेडी को देखती है। उस लेडी को देख के फीफी को अच्छा नहीं लगता। इस लेडी का एक बेटा भी था और फीफी इसे भी पसंद नहीं करती। मून फेस्टिवल के लिए जब उसके फादर लाइट्स लगा रहे थे तो फीफी के फादर फीफी को कहते हैं कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, वो सच में बहुत अच्छी है। ये लेडी फीफी के फादर की फ्रेंड थी तो फीफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। फीफी को पता था कि उसके फादर किसी और से शादी करने वाले थे, लेकिन फीफी ऐसा नहीं चाहती थी। और अब तक यहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो कि मून फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। साथ ही में वो लेडी भी आ जाती है जो कि उसके पापा की फ्रेंड थी। अब सारे के सारे डिनर करने के लिए अपने टेबल पे पहुँच चुके थे। सारे फैमिली मेंबर एक साथ में डिनर कर रहे थे, लेकिन फीफी का ध्यान अपने फादर पे ही था कि कैसे वो लेडी उनसे हंस हंस के बातें कर रही है, जो कि फीफी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये लेडी फीफी से बात करती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम्हें गॉडेस से मिलना है, जिसके बाद अब पूरी की पूरी फैमिली ही मून की गॉडेस के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। सबके पास में अपने अपने ख्याल थे। सबको लगता था कि बस ये एक बच्चों वाली स्टोरी है, लेकिन फीफी सबको समझाती है कि नहीं, ये बिल्कुल सच है, बल्कि ये बात तो मेरे फादर को भी पता है। जब फीफी चांद के पास जाके कहती है कि देखिए पापा, आपको भी दिख रहा है ना वो रैबिट, तो फीफी के पापा सबके सामने कुछ नहीं बोलते। फीफी वहाँ से उठ के अपने कमरे तक आने वाली थी। इस लड़के का नाम जिन था, जो कि फीफी को बताता है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम जल्द ही शादी करने वाले हैं और तुम्हें तो मेरी मस्तियों की आदत हो जाएगी। इस बात से फीफी बहुत ज्यादा हर्ट थी और कमरे में आके जोर से रोने लगती है। उसका कहना था कि सब कुछ पहले के जैसा क्यों नहीं हो सकता, वो अब मेरी मॉम को भूल गए हैं, वो गॉडेस पे बिलीव भी नहीं करते हैं। वो कहती है कि अगर मेरे फादर को गॉडेस पे एक बार फिर से बिलीव हो जाए तो वो उस लेडी से कभी शादी नहीं करेंगे। वो जब अपने रूम से मून को देखती है तो वो देखती है कि उसका रैबिट रूम से बाहर आ गया है, इसी के कारण वो भी रूम से बाहर आ गई थी। वो उस मून को देख के बातें करने लगती है कि आखिर वो अपने फादर को कैसे बिलीव दिलाए कि वो गॉडेस अभी तक मून पे ही है। वो गॉडेस उसका वेट करती है जिससे कि वो प्यार करती है। अब आखिर फीफी चांद पे भी कैसे जाए, क्योंकि चांद तो इस दुनिया से बहुत ज्यादा दूर है। फीफी को लगता है कि शायद उसे रॉकेट बनाना चाहिए, इसी के कारण अब वो रिसर्च पे लग जाती है। रोज फीफी कोई ना कोई चीज ऑर्डर करती रहती थी और हर समय अपना एक्सपेरिमेंट करती थी। फीफी का कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। एक दिन जब वो अपने क्लासरूम में बैठी थी तो उसके एक्सपेरिमेंट को उसके क्लास टीचर ने देख भी लिया था, लेकिन उसी के बाद में फीफी को उसी पिक्चर से एक आइडिया भी आता है, जिसके बाद में फीफी ने एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जो कि शायद सक्सेसफुल होने वाला था। वो सारा सामान लेके अपने रैबिट को लेके उस रॉकेट में बैठने वाली थी। रॉकेट में बैठने से पहले फीफी को चिन ने भी देखा था, लेकिन स्टार्ट करने पे वो रॉकेट बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो रॉकेट अपनी स्पीड पकड़ता है और काफी तेजी से मून की तरफ बढ़ने लगता है। और हमें पता चलता है कि उस रॉकेट के अंदर तो चिन भी आ गया था। ऊपर जाने के बाद में रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसी के कारण रॉकेट नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी का अट्रैक्शन इस रॉकेट को अपनी तरफ ले जाने लगता है। इसी समय मून के क्रीचर्स भी इन्हें देख लेते हैं और ये क्रीचर इस रॉकेट से खेलने लगते हैं, लेकिन फिर भी रॉकेट मून तक पहुंच गया था, जिसके बाद में ये क्रीचर्स फीफी और चिन को उठा के एक दूसरे गैलेक्सी तक लेके जाने लगते हैं जहाँ पे बहुत सुंदर कैसल था। इसी समय यहाँ पे टॉकिंग मून केक्स भी आते हैं। अंदर आने के बाद इन्हें गॉडेस दिखाई देती है। फीफी इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो गॉडेस के जाके गले लग जाती है। गॉडेस फीफी को पूछती है कि अब अगर तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो मेरे लिए क्या लाई हो। फीफी कहती है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपके साथ एक पिक्चर चाहिए जिसे कि मैं अपने डैड को दिखा सकूं ताकि वो आप पे बिलीव कर सके। गॉडेस फीफी के साथ एक पिक्चर लेती है, लेकिन पिक्चर देने के लिए मना कर देती है ये कहते हुए कि जब तक तुम मेरे लिए मेरा गिफ्ट नहीं लेके आओगे तब तक मैं तुम्हें ये पिक्चर नहीं दूंगी। वो गॉडेस कहती है कि मेरा गिफ्ट इसी मून के ऊपर है जो कि
लड़की तुम अपने साथ लाई हो। जिसके बाद फीफी यहाँ के क्रिएचर जो कि मून चिकन्स थे उनके साथ में गिफ्ट लेने के लिए जाती है, लेकिन चिन यहीं पे रह जाता है और चिन के साथ में फीफी का रैबिट भी यहीं था। चिन सोचता है कि उसे फीफी की मदद करनी चाहिए, इसी के कारण वो पिक्चर को चुराने के बारे में सोचता है। लेकिन उस पिक्चर को चुराने से पहले ही गॉडेस उसे देख लेती है और उसके बाद उसे एक कमरे में लेके आती है जहाँ पे वो चिन को टेबल टेनिस खेलने के लिए चैलेंज करती है। चिन को टेबल टेनिस खेलना बहुत अच्छे से आता है, पहले गॉडेस जीत रही थी लेकिन उसके बाद चिन जीत जाता है। गुस्से में आके गॉडेस चिन को उसी कमरे के अंदर बंद कर देती है। बाहर आने के बाद गॉडेस बहुत रोती है। गॉडेस का कहना था कि वो अपने योद्धा से कभी नहीं मिल पाएगी। हमें पता चलता है कि गॉडेस का जो रैबिट है वो भी एक मैजिक पोशन बनाना चाहता है। दूसरी तरफ फीफी अपने क्रैश रॉकेट की तरफ जाने वाली थी और उससे पहले उसे बहुत सारी बारिश का सामना भी करना पड़ता है। फीफी मून की दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। जैसे ही फीफी रॉकेट के पास जाती है तो उसे एक डॉल मिलती है। ये वही डॉल थी जो कि फीफी को उसके पेरेंट्स ने दी थी। चिकन को लगता है कि यही वो गिफ्ट है, इसी के कारण वो फीफी से डॉल छीन के वहाँ से भागने लगते हैं। फीफी इस समय यहाँ पे अकेली थी। इसी के साथ सीन यहाँ पे रैबिट पे शिफ्ट होता है जो कि मैजिक पोशन बना रहा था। फीफी को वहाँ पे एक नया दोस्त मिलता है जो कि एक डॉग था। अब ये डॉग फीफी की मदद करता है। ये दोनों ही मून फ्रॉक के ऊपर जंप करते करते काफी आगे तक पहुँच गए थे। आगे जाके फीफी को वही चिकन्स भी दिख जाते हैं जहाँ पे डॉग फीफी की मदद करता है और फीफी उन चिकन से अपनी डॉल को लेने की बहुत कोशिश करती है। इस खींचातानी के अंदर वो डॉल फट जाती है, जिसके बाद फीफी को बहुत बुरा लगता है कि सिर्फ एक वही आखिरी उम्मीद थी जिससे कि वो गॉडेस को मना सके और पिक्चर ले सके। अगर पिक्चर नहीं मिली तो वो अपने फादर को कभी बिलीव ही नहीं दिला सकती कि मून की गॉडेस असलियत के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये डॉग फीफी का मूड ठीक करने के लिए उसका बैग ओपन करता है जिसके अंदर मून केक्स निकलते हैं। जैसे फीफी उस मून केक का बाइट लेती है तो उसके अंदर उसे एक छोटा सा लॉकेट का आधा पीस मिलता है। वो पीस मून की हर एक चीज से कनेक्ट हो रहा था और फीफी समझ गई थी कि जरूर यही गॉडेस का गिफ्ट होगा। अब तक यहाँ पे चिन ने भी उस दरवाजे को तोड़ दिया था जिसके पीछे वो बंद था। यहाँ पे फीफी और चिन डॉग के साथ में अपने अपने पेट के साथ गॉडेस के सामने आ जाते हैं। फीफी उस लॉकेट को गॉडेस को देती है। गॉडेस उस पीस को अपने पहने हुए लॉकेट से जोड़ देती है और साथ ही में जो उसके रैबिट ने मैजिक पोशन बनाया था उसे उसके ऊपर डालती है, जिसके कारण या तो वो अर्थ पे जा सके या फिर जिसे वो पसंद करती है वो यहाँ पे आ सके। जिसके बाद वो गॉडेस एक दूसरी जगह पे पहुँच जाती है। यहाँ हर तरफ ग्रीनरी थी, साथ ही में गॉडेस के सामने वो योद्धा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। वो वॉरियर बताता है कि गॉडेस तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूँ और मुझे यहाँ से जाना होगा। वो वॉरियर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गॉडेस बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और यहाँ का पूरा माहौल ब्लैक हो जाता है। उस बंद कमरे के अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, लेकिन फीफी उस गॉडेस को संभालने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर इतना ज्यादा डार्क था कि उसकी मॉम की यादें भी उसे परेशान करने लगती है। इसी के कारण फीफी भी अब उदास होकर बैठ जाती है। तब गॉडेस फीफी के पास आती है और उसे समझाने लगती है कि मैं यहाँ पे अटक गई हूँ लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और तुम्हारा भाई भी है। बाहर से देखने पे चिन और उसके दोस्तों को लगता है कि फीफी अंदर अटक गई है, इसी के कारण चिन भी अब उस दीवार को तोड़ के दूसरी तरफ आ जाता है। गॉडेस फीफी को बताती है कि अगर तुम्हें अपनी मामा की याद आती है तो याद रखना कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही है। चिन आके फीफी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फीफी जाने से पहले गॉडेस से कहती है कि भले ही वो वॉरियर यहाँ से चला गया है लेकिन आपके अंदर का प्यार अभी भी जिंदा है। इस डार्क रूम से बाहर जितने भी क्रीचर है वो सब कुछ आपके प्यार से ही बने हैं, आप बहुत प्यारी हैं। जिसके बाद सारे क्रीचर ही गॉडेस से आके गले मिलते हैं और एक बार फिर से मून के ऊपर कलर्स आ जाते हैं। पैलेस के ब्राइट होने के साथ में ही अब टाइम था इन सबके गुड बाय करने का। डॉग फीफी को गुड बाय करता है। फीफी को पता था कि उसका रैबिट गॉडेस के रैबिट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी के कारण फीफी अपने रैबिट को यहीं छोड़ जाती है। गॉडेस भी अब फीफी को वही पिक्चर दे देती है, जिसके बाद अब मून क्रीचर इन दोनों को ही रॉकेट तक छोड़ने के लिए जाते हैं। वहाँ इतनी ज्यादा हीटनेस थी कि वो पिक्चर जल जाती है, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि असली प्यार तो फैमिली के बीच में ही है, क्योंकि कुछ भी हो जाए अब तक भी चिन ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। घर आने के बाद में चिन सो जाता है, जिसे फीफी उसे अपने छोटा भाई समझ के अपने साथ घर लेके आती है। हम देखते हैं कि ये फैमिली अब एक साथ हो गई थी। फीफी के फादर ने अब शादी भी कर ली थी। ये सारी फैमिली एक बार फिर से मून फेस्टिवल पे एक साथ डिनर करती है। फीफी ने अब चिन की मदर को एक्सेप्ट कर लिया था। फीफी अब अपने डैड के साथ में भी खुश थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।